जोशी, गुड मॉर्निंग ऑल। और आज का जो हमारा सेकेंड चीज केक है वो है पानी पूरी चीज केक। चलिए देखते हैं आज उसकी रेसिपी। कहते हैं इंडियन खाना मीठे के बिना अधूरा है, लेकिन मेरा खाना पानी पूरी के बिना अधूरा है। और जब पानी पूरी मीठे के साथ मिल जाए तो चलो ये पजल सॉल्व करते हैं। आज बनाते हैं पानी पूरी चीज केक। तो चलिए उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पर हमने लिया है शक्कर, पानी, इमली की चटनी, धनिया, पुदीना के पत्ते, पीसी हुई हरी मिर्च, पीसा हुआ अदरक, जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, नमक, पानी पूरी मसाला, अमचूर पाउडर और चाट मसाला, और यहाँ पर है रेड चिल्ली पाउडर और नींबू का रस। यहाँ पर हमने लिया है एक सॉस पैन में आधा कप पानी और उसके साथ आधा कप शक्कर। शक्कर को अच्छे से पिघला देनी है। हमारी शक्कर मेल्ट हो चुकी है, 5 से 6 उबाल आ गए हैं। अब हम इसमें करते हैं मसाला। हमने डाला नमक स्वाद अनुसार। देखिए यहाँ पे जितने स्पाइसेस डाल रहे हैं सब एज पर टेस्ट जाएंगे। 1/2 टीस्पून पानी पूरी मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। इन सबको अच्छे से मिला देते हैं। यहाँ पर हम मिला रहे हैं 2 चम्मच जितनी इमली का पेस्ट। अरोमा तो अभी से आने लगी है। देखिए हमारा गैस अभी भी ऑन है, इसको मीडियम फ्लेम पे आपको पकाते रहना है। अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया है। 1 या 2 बॉईल आए और फिर आपको फ्लेम बंद कर देनी है और फिर लास्ट में आपको मिलाना है नींबू का रस। 2 टेबलस्पून जितना लाइम जूस हम ऐड कर रहे हैं। देखिए ये पानी पूरी का मसाला हम तैयार कर रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी खट्टा, तीखा, मीठा, एकदम चटपटा आपको लगना चाहिए। देखिए हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है और अब हम इसमें मिला रहे हैं 1/4 कप पुदीना के पत्ते और 1/2 कप हरा धनिया। इन सबको अच्छे से हम लोग ब्लेंडर में कंबाइन करके एक स्मूथ पेस्ट बना देते हैं। चीज़ केक के बेस के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 पूरा पैकेट हमारे जो मैरी बिस्किट है वो। यहाँ पे आप कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले सकते हैं। इसका हम फाइनली क्रस्ट पाउडर बना देते हैं। अभी हम बना रहे हैं चीज़ केक का बेस। हमने जो बिस्किट्स लिए थे उसका क्रश हमने कर दिया है। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट है। अगर हमारा जो मेजरमेंट कप है, 1 कप अगर हम लोग बिस्किट का क्रश लेते हैं, उसके सामने आपको लेना है 4 टेबलस्पून, जो हमारा मेजरिंग टेबलस्पून होता है, 4 टेबलस्पून जितना मेल्टेड बटर। ओके, तो चलिए मिक्स करते हैं। यहाँ पे एक बोल में हमने लिया 1 कप हमारा क्रश किया हुआ बिस्किट, उसमें हम मिला रहे हैं 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। यहाँ पर आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर अप टू टेस्ट आप ले सकते हैं। फिर हल्के हाथों से हम कंबाइन कर देते हैं। इसका डो जैसा फॉर्म नहीं कर देना है, एकदम क्रम्बल रखना है इसे। चलिए अब बारी है इसके असेंबलिंग की। यहाँ पर हमने लिए हैं सिलिकॉन मोल्ड चीज़ केक के लिए, जो स्पेशल आते हैं वो, थोड़े डेप्थ वाले आपको चाहिए। इसमें अब हम फोल्ड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना हमारा बिस्किट का क्रम्बल।
देखिए 1/4 पोर्शन आपके बिस्किट का होगा। ओके, ये हमने फोल्ड कर दिया। अब इसको हम प्रॉपरली प्रेस कर देते हैं। बेस की फर्मनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए सभी अच्छे से हमने प्रेस कर दिए हैं। अब हम इसे रेफ्रिजरेट कर देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। एक फर्मनेस आ जाएगा इसके ऊपर। तो चलिए पानी पूरी चीज केक का स्टेप 1 जो था, पानी पूरी का सिरप बनाना, वो हमारा हो चुका है। स्टेप 2 जो बेस बनाना है वो हमने देख लिया। और ये स्टेप 3 असेंबली। यहाँ पर हमने लिया है 1/4 कप पानी पूरी का सिरप जो हमने अभी बनाया, 1/4 कप क्रीम चीज, 1/2 कप व्हिप्ड क्रीम। यहाँ पर हम हल्का सा ग्रीन कलर लेंगे, 8 ग्राम जितना अगर अगर, और 1/4 कप पानी। यहाँ पर एक बोल में हमने मिक्स किया व्हिप्ड क्रीम, क्रीम चीज, हमारे पानी पूरी का सिरप। देखिए ये सिरप मीठा तीखा चटपटा लगना चाहिए, तभी आपके क्रीम चीज में से पानी पूरी का फ्लेवर बाहर आएगा। अच्छे से हम इसे विस्क कर देते हैं। देखिए ये इसका बेसिक कलर है, लेकिन अगर हम चीज केक की बात करें तो यहाँ अगर हम हल्का सा ग्रीन कलर डालेंगे तो ये और भी अच्छे से खिलेगा। यहाँ पर हमने डाला 1 ड्रॉप ग्रीन कलर, इसको मिला देते हैं। ब्यूटीफुल, देखिए बहुत ही अच्छा कलर खिलकर बाहर आया है। तो चलिए पानी में हम अगर अगर का पाउडर मिक्स करके उसको 5 मिनट के लिए सोक कर देते हैं। अब हम इसे माइक्रो कर देते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। अगर बहुत ही अच्छे से डिसॉल्व हो गया है। और अब ये मिक्सचर हम लोग मिला रहे हैं हमारे पानी पूरी के क्रीम के साथ। आप जब भी अगर अगर का सोल्यूशन बनाते हैं उसे तुरंत आपको फोल्ड कर देना है आपके क्रीम में, क्योंकि उसका बाइंडिंग शुरू हो जाता है। अच्छे से हम इसे विस्क कर देते हैं। और अब हम इसे फोल्ड करते हैं हमारे चीज केक के मोल्ड में। देखिए हमने बेस अच्छे से फॉर्म हमारे हो गए हैं। और अब हम ऐड कर रहे हैं हमारा पानी पूरी का मिक्सचर। देखिए बिलीव मी ये फ्लेवर बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, आप प्लीज इसे ट्राई करिए। अच्छे से ऊपर तक आपको इसे फिल कर देना है। और अब हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे 7 से 8 घंटे के लिए। जब तक हमारे चीज केक फ्रिज में चिल्ड होते हैं तब तक हम उसका ग्लेज सीखते हैं कि वो कैसे बनाना है। यहाँ पर हमने लिया है व्हाइट चॉकलेट बार, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ये है 100 ग्राम जितना व्हाइट कंपाउंड, उसके साथ हमने लिया है 60 ग्राम्स बटर। तो चलिए पहले हम दोनों को सेपरेटली मेल्ट कर देते हैं। हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। हमने यहाँ पर इसे 60 सेकेंड्स के लिए माइक्रो हाई किया था। आप डबल बॉयलर से भी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। और हमारा बटर भी मेल्ट हो गया है, इसको 15-20 सेकेंड्स के लिए माइक्रो हाई कर दिया। और अब हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं। मेल्टेड बटर को हम मिक्स कर रहे हैं हमारे मेल्टेड चॉकलेट में। देखिए ये हमारा ट्रांसपेरेंट वाइट ग्लेज बनेगा, जिसके अंदर आप डिफरेंट कलर्स ऐड करके, डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करके आप आइसिंग कर सकते हैं। कोई चॉकलेट ग्लेज बनाना है तो आप डार्क चॉकलेट में से भी बना सकते हैं, जो ब्राउन इन कलर बनेगा। आप इसका लस्टर देख सकते हैं, बहुत ही शाइनी हुआ है। इसमें हम डाल रहे हैं ड्रॉप ऑफ ग्रीन कलर। ये हमारी ग्लेस रेडी हो रही है पानी पूरी चीज केक के लिए। अब हम इसे मिला देते हैं। ब्यूटीफुल। तो चलिए हमारे पानी पूरी चीज केक को अब अनमोल्ड करने का टाइम आ चुका है।
7 से 8 घंटे हो चुके हैं और देखिए बड़ी ही आसानी से इसमें से ये अनमोल्ड हो रहा है, एकदम अच्छे से फॉर्म हो चुका है। इसको हमें इनफ टाइम देना है इसको सेट होने के लिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए अब इसे प्लेटिंग के लिए रेडी करते हैं। ये हमारे पानी पूरी चीज केक और अब हम डाल रहे हैं हमारा ग्लेज आइसिंग। देखिए आप जब भी कोई आइसिंग करते हैं तो ऊपर टॉप पर जो आप ले रहे हैं या तो उससे लाइटर या उससे हल्का सा डार्कर कलर आपको लेना है तो उसका उठाव अच्छे से आता है। आप इसकी ग्लेज दे सकते हैं, बहुत ही शाइन कर रहा है हमारा चीज़ केक। इसको सिर्फ हमें टॉप पर अप्लाई करना है, ड्रिप नहीं करना है। तो ये है हमारा पानी पूरी चीज़ केक। देखिए बहुत ही सिंपल गार्निश हम करेंगे। इस पर हमने ऑलरेडी लगाया है पानी पूरी का ग्लेज, उस पर हमने रखी है एक लेमन स्लाइस, कलर वेरिएशन के लिए यहाँ पर हमने थोड़ा दिया है अनार के दाने, और पुदीना का पत्ता। देखिए एकदम प्रिटी लग रहा है। पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसे लाइक कर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, सो दैट जितनी भी नई रेसिपीज हम अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।